इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में डिस्प्लेसमेंट करंट, और डिस्प्लेसमेंट करंट सिलेबस में नहीं है, ठीक है, लेकिन बिना डिस्प्लेसमेंट के करंट के मैं कुछ समझा नहीं सकता, तो इसलिए इसका जनरल नॉलेज लेके काम करेंगे, बाकी नोट वोट करने का है नहीं इसमें, ठीक है। देखो, एक कैपेसिटर लो, इसके अक्रॉस बैटरी लगाई, इसको स्विच ऑन करेंगे तो एक करंट फ्लो होगा। अब कैपेसिटर के बीच में तो एयर है, तो करंट कैसे फ्लो होगा? करंट तो फ्लो हो नहीं सकता। करंट तो तभी फ्लो होता है ना जब क्लोज पाथ होता है, ठीक है। नहीं, हमारा ये एक बल्ब जल रहा है, ये हमारी बैटरी लगी है, तो बल्ब जल रहा है। ऐसे हमने सर्किट ओपन कर दिया तो बल्ब चलेगा? नहीं चलेगा। क्यों? करंट फ्लो नहीं होगा। तो ऐसे ही कैपेसिटर के बीच में भी एयर है तो करंट कैसे फ्लो होगा? करंट तो फ्लो नहीं हो सकता, ठीक है। हमने पूरा कैपेसिटर पढ़ दिया, बट ये तो सोचा ही नहीं कि डायलैक्ट्रिक डाल दिया। डायलैक्ट्रिक क्या है? इंसुलेटर। इंसुलेटर से करंट फ्लो नहीं होता। एयर क्या है? इंसुलेटर। एयर से करंट फ्लो नहीं होता, ठीक है। इवन अगर हम इसमें वैक्यूम क्रिएट कर दें, एयर भी निकाल दें, वैक्यूम कर दें, तो भी करंट फ्लो होगा, ठीक है। तो ये जो करंट इसके अंदर फ्लो हो रहा है, ये जो करंट इसके अंदर फ्लो हो रहा है, इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। दिस करंट इज व्हाट? डिस्प्लेसमेंट। करंट इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, लेकिन लॉजिकली हम देखें तो यहां पे करंट होना ही नहीं चाहिए, बट करंट है, और वो जो करंट है उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। ये डिस्प्लेसमेंट करंट इज नॉट ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या मोशन ऑफ चार्ज कैरियर। हमने जो करंट आज तक पढ़ा, दैट इज ड्यू टू मोशन ऑफ चार्ज कैरियर, बट ये वाला करंट इज नॉट ड्यू टू मोशन ऑफ चार्ज कैरियर, राइट? इट इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ करंट विच इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट करंट। ये करंट किस वजह से होता है? ड्यू टू चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ड्यू टू चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्योंकि देखो, जब तक ये चार्ज होता रहता है कैपेसिटर, जब तक कैपेसिटर चार्ज होता रहता है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता रहता है। इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता है तो फ्लक्स भी चेंज होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जब तक चेंज होता है तब तक करंट है। एक बार कैपेसिटर पूरा चार्ज हो गया, फिर करंट बंद हो जाता है। तो यानी जब कैपेसिटर पूरा चार्ज हो गया या चेंज इन फ्लक्स बंद हो गया तो करंट नहीं है, ठीक है। सो दिस डिस्प्लेसमेंट करंट इज ड्यू टू चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सो हाउ मच इज दिस डिस्प्लेसमेंट करंट? दिस डिस्प्लेसमेंट करंट इज एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाय डी टी। एप्सिलॉन नॉट इज इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, ठीक है। सो दिस डिस्प्लेसमेंट करंट, दिस करंट इज नॉट ड्यू टू मोशन ऑफ चार्ज, दिस करंट इज ड्यू टू चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। नॉट डजंट रिक्वायर कंडक्टिंग मीडियम। मैं इन क्रैक्स आपको बता रहा हूं, है ना, क्योंकि सिलेबस में नहीं है, तो ये डेरिवेशन वगैरह मैं नहीं करूंगा। सो इट डू नॉट रिक्वायर कंडक्टिंग मीडियम, तो वैक्यूम में भी हो सकता है, ठीक है। सो ऑल अराउंड इन द वैक्यूम देयर इज ए करंट, वहां पे भी एक करंट है, एंड दैट करंट इज विच करंट? डिस्प्लेसमेंट का, ओके, राइट? नाउ
अब बिकॉज ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, बिकॉज ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट द एम्पियर सर्किटल लॉ, याद है एम्पियर सर्किटल लॉ, इज चेंज्ड एज मैक्सवेल एम्पियर सर्किटल लॉ, राइट। दिस होल कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट वॉज बाई मैक्सवेल, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली जो दैट लॉ था, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई प्लस आई डी, म्यू नॉट आई प्लस आई डी, राइट। कैपेसिटर के बाहर कंडक्शन करंट है, कैपेसिटर के अंदर डिस्प्लेसमेंट करंट है, करंट इज कंटिन्यूअस, जहां कंडक्शन है वहां डिस्प्लेसमेंट नहीं है और जहां डिस्प्लेसमेंट है वहां कंडक्शन नहीं है। तो इसको अगर हम ऐसे लिखें, पी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई प्लस म्यू नॉट, ये हो गया एप्साइलन नॉट, म्यू नॉट एप्साइलन नॉट डी फाई ई बाई डी टी, राइट। अब क्योंकि मुझे यहां यूज करना था तो उसके लिए मुझे डिस्प्लेसमेंट करंट बताना था, ठीक है। नाउ अब इससे देखो क्या कंक्लूजन निकला, अगर ये नहीं है और ये है तो भी मैग्नेटिक फील्ड है। अभी तक हमने पढ़ा था कि अगर करंट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड होगा, नाउ करंट नहीं है लेकिन चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स है तो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा, राइट। तो इट मींस टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, राइट। टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, और उधर चलो फैराडेज लॉ से, फैराडे लॉ कहता है कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ईएमएफ होगा या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, और टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, यानी दोनों एक दूसरे को प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है और मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। तो अगर हम एक टाइम वेरिंग कोई भी एक फील्ड प्रोड्यूस करते इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड फिर एक मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगी, और वो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड फिर इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगी। तो इस तरह दोनों एक दूसरे को प्रोड्यूस करते रहेंगे, तो ये फेनोमेना होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज अ वेव दैट कंसिस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड एंड द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। सो मैक्सवेल ने क्या किया, इन चार इक्वेशंस को इकट्ठा किया, मैक्सवेल्स इक्वेशंस, फर्स्ट ये वाली, एक मिनट शुरू से लेते हैं, ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ये कौन सी थ्योरम थी, गॉस थ्योरम इन इलेक्ट्रिक फील्ड। सेकेंड बी डॉट डी एस इज इक्वल टू जीरो, दैट इज गॉस थ्योरम इन मैग्नेटिक फील्ड।
राइट। थर्ड ईएमएफ इंड्यूस्ड, ईएमएफ इंड्यूस्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। तो ईएमएफ इंड्यूस्ड कैन बी रिटन एज ई डॉट डीएल, किससे, डीवी बाई डीआर से, इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी बी डॉट डी एस, दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स, बी डॉट डी एस इज मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ई डॉट डी एल इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी बी डॉट डी एस, एंड दिस इज व्हाट, फैराडेज लॉ। देन फोर्थ आता है बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाइ ई बाई डी टी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम ई डॉट डी एस भी लिख सकते हैं। सो इन इक्वेशन से मैक्सवेल ने जो एक कंक्लूजन ड्रॉ किया वो क्या ड्रॉ किया, दैट टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड एंड टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। सो बोथ प्रोड्यूस ईच अदर क्रिएटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक wave. Right? Now, source of electromagnetic wave. नहीं, अभी हमने देख लिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करने के लिए हमको टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए होती है। टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो टाइम के साथ चेंज हो, या एक मैग्नेटिक फील्ड जो टाइम के साथ चेंज हो, बाकी तो फिर एक दूसरे को प्रोड्यूस करते हुए आगे निकल जाते हैं। ठीक है, तो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एन ऑसिलेटिंग चार्ज, चार्ज प्रोड्यूस ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, राइट। एक ऑसिलेटिंग चार्ज है तो वो एक ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, विच फर्दर प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, एंड प्रोपगेट producing and propagate producing each other in the form of electromagnetic wave. Frequency of EM wave is same. As of oscillating charge, जो oscillating charge की frequency है वही frequency electromagnetic wave की होगी, right? याद करो LC oscillation,
एलसी ऑसिलेशन में हमने एक इंडक्टर यूज किया, एक कैपेसिटर यूज किया और एक करंट ऑसिलेट करता है, करंट कम ज्यादा, ठीक है, और फिर उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है फ्रीक्वेंसी, ठीक है, तो कंटिन्यूसली, और एक फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन हमने निकाला था 1/2 pi root LC. तो जो ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी होती है वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रीक्वेंसी होती है. तो एक एलसी ऑसिलेटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करने के काम में आता है, राइट. कोई भी हम जो हमारे पास रेडियो सिग्नल्स या वीडियो सिग्नल्स या इंटरनेट सिग्नल्स आते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में होते हैं. जहाँ पे भी, जहाँ से भी वो भेजते हैं वहाँ पर एक एलसी ऑसिलेटर होता है जो उसी फ्रीक्वेंसी पे ऑसिलेट करता है जिस फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होती है. लाइक अगर हम रेडियो स्टेशन सुन रहे हैं 93.5 MHz, सो दैट रेडियो स्टेशन इज यूजिंग एन एलसी ऑसिलेटर ऑफ फ्रीक्वेंसी 93.5 MHz और उससे वो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होके एयर हो जाती है, राइट. ये समझ में आ गया, राइट. नाउ नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. मैं पॉइंट्स में लिख रहा हूं, है ना. ऑलवेज ट्रांसवर्स इन नेचर. द ई वैक्टर, बी वैक्टर एंड V vector are perpendicular to each other. Perpendicular to each other such that ये direction find out करने के लिए V. यूनिट वेक्टर हम किस लिए यूज करते हैं, हमेशा डायरेक्शन के लिए यूज करते हैं. वी इज ई क्रॉस बी, मैग्नीट्यूड के लिए नहीं, ठीक है. मैग्नीट्यूड में तो वी इज इक्वल टू होता है ई बाई बी, ठीक है. ये किस लिए, डायरेक्शन के लिए. लाइक क्रॉस प्रोडक्ट यूज करोगे, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के अलोंग है और मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस के अलोंग है तो ये किस डायरेक्शन में जाएगा, जेड एक्सिस में, ठीक है. सो इफ आई ड्रॉ इट लाइक दिस, ऐसे ये सपोज वेलोसिटी है, जेड एक्सिस है ना, ये हमारा एक्स एक्सिस और ये हमारा वाई एक्सिस. सो दिस विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड right in this plane, this will be magnetic field, in this plane, right, or propagation in z axis, right. So ye e aur ye b, the variation E along x-axis, B along y-axis, then V along z-axis. मैं इसका प्रॉपर डायग्राम वहां दिखा देता हूं नोट्स में, वहां से बना लो. This one.
ठीक है, राइट। इनकी इक्वेशंस अगर हम देखें, E का वेरिएशन एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो अगर हम इक्वेशंस लिखें तो ई एक्स ऐसे लिखो, द इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज विद टाइम एज ई एक्स इज इक्वल टू, ई एक्स लिखने का मतलब इट इज अलोंग एक्स एक्सिस, ये वेक्टर फॉर्म में उधर आई कैप करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। E नॉट साइन, इट्स द वेव मूविंग इन विच डायरेक्शन, दैट इज जेड डायरेक्शन, सो दैट इज के जेड माइनस के जेड माइनस ओमेगा टी, ठीक है। एंड मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस बी वाई इज इक्वल टू बी नॉट साइन, वेरिएशन तो इसमें भी सेम है, के जेड माइनस ओमेगा टी, ठीक है। वेयर E naught and B naught are peak values K is called propagation constant or angular wave number that is k is equal to 2 pi by lambda, lambda is wavelength, ठीक है। ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, स्पीड ऑफ ईएम वेव सी इज इक्वल टू ओमेगा बाय के, ठीक है। फ्रॉम मैक्सवेल्स इक्वेशंस वहां से डिराइव हो जाएगा, ये हमें करने की जरूरत नहीं है, सी इज इक्वल टू ई नॉट बाई बी नॉट, राइट। ये समझ में आ गया, राइट। नाउ सम फीचर्स, ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, फर्स्ट सेल्फ सस्टेनिंग, सेल्फ सस्टेनिंग मतलब हो गया अपने आप हो रहा है, ठीक है। और कहां प्रोपोगेट कर सकते हैं, मीडियम में भी और बिना मीडियम के भी, वैक्यूम में भी
और सेल्फ सस्टेनिंग ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इन फ्री स्पेस और वैक्यूम। ठीक है, अनलाइक मैकेनिकल वेव, ये मैकेनिकल वेव से डिफरेंट है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड मैकेनिकल वेव? मैकेनिकल वेव रिक्वायर्स ए मटेरियल मीडियम एंड दे डू नॉट रिक्वायर मीडियम। अनलाइक मैकेनिकल वेव, दिस वेव डू नॉट रिक्वायर मीडियम। स्पीड इन वैक्यूम सी इज इक्वल टू 1/√ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। म्यू नॉट मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, अ फ्री स्पेस, एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फॉर स्पीड इन मीडियम ये तो फ्री स्पेस में था। V इज इक्वल टू 1/√ म्यू एप्सिलॉन। ठीक है, अंडरस्टूड है म्यू एंड एप्सिलॉन इज व्हाट? म्यू एंड एप्सिलॉन, म्यू इज परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम एंड एप्सिलॉन इज परमिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ मीडियम, राइट? These waves can be refracted and polarized. ये सब फिनोमेना हम बाद में पढ़ेंगे। These waves carry energy and momentum energy density of electric field. याद है? हाफ एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर।
ठीक है, एंड एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी स्क्वायर अपॉन टू म्यू नॉट, एंड एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दैट इज सम ऑफ द टू ठीक है दोनों का सम राइट ओके एनर्जी ऑफ वेव इज इक्वली डिवाइडेड अमंग ई एंड बी सो U E is equal to U B and U is equal to 2 U E is equal to 2 U B. कैसे भी कर दो ठीक है कितना नंबर आ गया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्सर्ट्स प्रेशर कॉल्ड रेडिएशन प्रेशर If energy absorbed by surface is U, then momentum imparted to surface, momentum पता चल जाएगा उससे force मिल जाएगी, force से pressure मिल जाएगा. Then momentum imparted to surface P is equal to U by C. Right? ये था अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उसकी प्रॉपर्टीज उसके फीचर्स. नाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ये पूरा थियोरेटिकल है ये आप लोग पढ़ लेना आराम से राइट. क्या होता है रेडियो वेव से लेके गामा वेव्स तक बहुत सारी वेव्स होती हैं उनकी जनरल फ्रीक्वेंसी रेंज मैं बता देता हूँ ठीक है बाकी दिस इज व्हाट ठीक है ये हमारी होती है गामा रेज की रेंज ठीक है ये वेवलेंथ और इधर फ्रीक्वेंसी. सो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी रेज आर गामा रेज उससे नीचे आता है फिर एक्स रेज
फिर उससे नीचे आता है अल्ट्रा वायलेट, देन विजिबल लाइट, गामा रेज हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी, देन एक्स रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज, विजिबल रेज, विजिबल जो हमें लाइट में होते हैं दिखता है, इंफ्रारेड वेव्स आर द हीट वेव्स, माइक्रोवेव्स, माइक्रोवेव्स आर द शॉर्ट वेव्स, शॉर्ट रेडियो वेव्स यूज फॉर कम्युनिकेशन लाइक सेटेलाइट कम्युनिकेशन और द टावर कम्युनिकेशन, जो माइक्रोवेव टावर्स होते हैं उनमें कम्युनिकेशन के लिए यूज होती है, शॉर्ट रेडियो वेव्स, शॉर्ट रेडियो वेव्स भी वही है जो टावर्स में यूज होती है, देन FM रेडियो में ये फ्रिक्वेंसी रेंज आ जाती है, हम देख लो 93 मेगाहर्ट्ज़ तो कितना हो गया, लगभग 10^8 हो गया, 93 इज 100, 100 मेगा हर्ट्ज इज 10^8 हर्ट्ज़, तो ये 10^8 हर्ट्ज़ की रेंज है। फिर उसके बाद आ जाती है रेडियो वेव्स, AM और लॉन्ग रेडियो वेव्स, ये पुराने ज़माने में जो रेडियो चलते थे उनके लिए यूज़ होते थे, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम है, उसमें विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम ये है, वेरिंग फ्रॉम 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर, 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7000 एंगस्ट्रॉम, राइट। ये पूरे स्पेक्ट्रम का एक जनरल आइडिया आपको लेना है ना, एंड देन उसके बाद इसके बारे में कुछ यूजेस वगैरह ये सब दिए हुए हैं, ये आप पढ़ लेना एक बार, ठीक है, पढ़ लोगे ना, राइट, ठीक है, ये इसके क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इसमें से एक क्वेश्चन कर लेते हैं, 10th क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, बाकी के आप करना 10th में कर देता हूं। व्हाट इज गिवन टू अस फ्रीक्वेंसी 50 मेगाहर्ट्ज़, फ्रीक्वेंसी इज 50 मेगाहर्ट्ज़ यानी 50 × 10^6, सो उससे हमें ओमेगा मिलेगा, ओमेगा इज 2π × फ्रीक्वेंसी दैट इज 100π × 10^6, ठीक है, या 314 × 10^6, ठीक है, ये आ गया ओमेगा। नाउ स्पीड मालूम ही है कितनी, 3 × 10^6, नाउ स्पीड इज इक्वल टू होता है फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, स्पीड इज फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, स्पीड हो गया 3 × 10^8 एंड फ्रीक्वेंसी हो गया 50 × 10^6, तो ये हो गया वेवलेंथ, तो वेवलेंथ कितना आ गया 10^6, 7 तो 7 तो दैट इज 6 मीटर, ठीक है, वेवलेंथ इज 6 मीटर, देन ओमेगा आ गया, लैम्डा आ गया के, एंगुलर वेव नंबर के इज इक्वल टू 2π/λ, ठीक है, तो लेमडा इज व्हाट, लेमडा इज 6, 2π/6 सो दैट इज π/3, तो अप्रोक्सीमेटली 1, तो ये आ गया 1, ये 6 मीटर आ गया, राइट। और अब आपको चाहिए b0 ये चाहिए ना, तो c इज इक्वल टू e0 by b0, सो b0 इज इक्वल टू e0 by c, E नॉट कितना 120 एंड 3 × 10^8, सो दिस इज 40, तो 40 × 10^-8 कितना हो गया, नैनो टेस्ला दे रखा है ना, तो 400 × 10^9 आ गया, 400 × 10^-9, तो नैनो टेस्ला हो गया। नाउ अब आपको इक्वेशंस बनानी है,
इक्वेशंस में इज इक्वल टू ई नॉट, ई इज इक्वल टू ई नॉट, कौन सी डायरेक्शन में जा रही है वो देखो, किस डायरेक्शन में जा रही है प्रोपगेशन, किस डायरेक्शन में है, अगर हम वो एक्स एक्सिस पे ले प्रोपोगेशन, तो क्योंकि इसमें दे नहीं रखा, अगर मान लो एक्स एक्सिस पे ले तो ये हो जाएगा ई नॉट के एक्स, के एक्स के की वैल्यू मालूम है कितना, साइन के एक्स, के इज 1.05, एक्स माइनस ओमेगा, ओमेगा इज 3.14 इंटू 10 टू द पावर 8 टी। अब डायरेक्शन ठीक है, देखो सी इज इक्वल टू ई क्रॉस बी राइट, अगर ये एक्स है तो वाई क्रॉस जेड इज एक्स, वाई क्रॉस जेड इज एक्स, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस, तो या तो आप ई वाई लिखो ये यहां पे जे लिखो ठीक है, तो इसमें जे यूज रखा है राइट, एंड सिमिलरली बी के लिए हो जाएगा, हो जाएगा सिमिलर इक्वेशन फॉर बी, तो बी किस डायरेक्शन में है, जेड डायरेक्शन में, बी नॉट ई नॉट तो दे रखा था ना कितना 120 है ना, बी नॉट इज 400 और साइन अंदर वाले पैरामीटर तो दोनों में सेम रहेंगे, बट ये नैनो टेस्ला है और ये न्यूटन पर कूलम है, समझ गए। देखो डायरेक्शन में ऐसे होता है आई जे के, याद है आई क्रॉस जे इज के, जी क्रॉस के इज आई, तो वी इज इक्वल टू होता है ई क्रॉस बी, एंड इफ इट इज एक्स सो दिस विल कम एज दिस इज वाई क्रॉस जेड, वाई क्रॉस जेड इज एक्स ना।